हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 ऑफ चैप्टर 3 मैथ्स क्लास 10। ओके, तो ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है, कुछ स्कूलों में नहीं कराते हैं, लेकिन वी विल डू इट, राइट? तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाय 3 इयर्स। ओके, डिफरेंस मतलब माइनस। मैंने बताया था ना, कुछ वर्ड्स जो है वो आपको याद रखना है, समझना है। डिफर, एक्सीड, ये सब ऐसा आएगा, मोर। ओके, अनी'स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, ये एक हुआ स्टेटमेंट, एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स, फाइंड द एजेस ऑफ अनी एंड बिजू। क्वेश्चन दिया है अनी एंड बिजू, मतलब वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज एक्स इयर्स, ओके, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बिजू is y years, right? ये हो गया। अब उन्होंने बोला कि the ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years, तो ऐसा लिख सकते हैं x minus y is equal to 3, right? हमारा equation number 1। अब आराम से करना। Ani's father Dharam is twice as old as Ani, यहां पे देखिए present age ऑफ अनीस फादर, ऐसा लिखने का, वो क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ अनी, तो 2x, राइट? ये अनी फादर उनके धर्म का है, राइट? तो अनीस फादर धर्म ये लिख दीजिए, तो आपको याद रहेगा, राइट? ओके, अब ये हो गया। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब इसका मतलब क्या बताइए, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथी का मतलब कैथी इज हाफ ऑफ बीजूस प्रेजेंट एज, राइट? ऐसा है, राइट? सपोज इनका एज 10 है, तो इनका एज क्या होगा, 5, राइट? तो प्रेजेंट एज ऑफ कैथी इज क्या आएगा, y अपॉन 2, समझ पड़ा आपको, राइट? उनका आधा आएगा, राइट? अब क्या बोल रहे हैं, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, तो अभी ये दोनों का 2x minus y upon 2 is equal to 30. चलो LCM ले लेते हैं, 4x minus y is equal to 60. Equation number 2. Done? Equation 1, equation 2. सर जी, same to same है. Minus है, यहाँ पे भी minus है. खाली हमको change करना है. तो let's write subtracting इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बस इतना लिख दीजिए। चलो लेट्स सी, 4x माइनस y इज इक्वल टू 60 और x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि मुझे ऑपोजिट साइन करना है इसीलिए, राइट? तो ये कट होना जरूरी है। 3x हो गया सर, 60 में से 3 गया तो 57, x इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 19 years, किसका year आ गया, अनीस एज। Therefore, putting this value in, बरोबर क्या करेंगे हम लोग, 19 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3 minus 19, minus y is equal to minus 16, minus minus cut हो जाएगा, तो y is equal to 16 Yes, राइट? ये आपका आंसर है, लेकिन यहां लिखना जरूरी है, therefore अनीस प्रेजेंट एज इज कितना, 19 years, राइट? बीजूस प्रेजेंट एज इज 16 years, ओके, दिस इज योर आंसर, इस तरह लिखना है, डन? तो ये था अपना क्वेश्चन।
अगर आप एक एक स्टेटमेंट एक एक सेंटेंस पढ़ के करोगे तो सबसे इजी सम भी हो जाएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल वर्ड्स राइट मैथमेटिकल टर्म्स एंड यू कैन डू इट। ओके पॉज करके आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, चलो कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर टू राइट, वन सेज गिव मी ए 100 जस्ट 100 रुपीज फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू राइट। एक फ्रेंड क्या बोलता है, खाली 100 रुपया मुझे दो मैं आपके जैसा 2 times रिच हो जाऊंगा। दूसरा वाला जवाब देता है खाली आप मुझे 10 rupees दो, कितना ओनली 10 एंड आई शैल बिकम 6 times एज रिच एज यू। यहां सपोज करना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, ऑलवेज गो फॉर द क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। लेट वन फ्रेंड हैज एक्स रुपीस राइट, ये ऐसा रखते ओके, द अनदर हैज वाई रुपीस, ये अमाउंट है सपोज राइट। तो यहां पे एक काम करते हैं, फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड नहीं लिखा है ना तो चलेगा राइट। वन फ्रेंड हैज एक्स एंड अनदर हैज वाई रुपीस। अब पहला वाला क्या बोलता है, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एस, मतलब आप खाली मुझे 100 rupees दो तो 100 मतलब राइट, ऑन गेटिंग 100 इट विल बिकम एक्स प्लस 100 बरोबर है, इज इक्वल टू ट्वाइस एस रिच एस यू राइट। तो क्या हो जाएगा 2y-100 राइट, क्योंकि इसने 100 दे दिया है ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि I shall then become twice, अगर कितना देंगे तो 100। अब y इसको 100 देता है तो क्या बनेगा, x plus 100 right will become twice, y के पास कितना रहेगा क्योंकि उसने 100 इसको दे दिया है तो y minus 100। अब इसको सॉल्व कराओ क्या हो जाएगा सर, x plus 100 is equal to 2y minus 200, x minus 2y माइनस 200 एक्स माइनस 2y माइनस 300। इक्वेशन नंबर 1, हमारा पर्पस खाली इक्वेशन बनाना है, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इक्वेशन 1 बन गया है राइट। नेक्स्ट पढ़ो सेकंड वाला बोलता, अभी वाई वाला बोलता, इफ यू गिव मी जस्ट 10 रुपीज आई विल बिकम 6 times एज रिच एज यू। चलो ऑन गेटिंग 10 from x, right? y will become कितना हो जाएगा, y plus 10, right? Therefore, y plus 10 is equal to 6 times x minus 10, right? This is 6 times as rich as you, मतलब x minus 10। अभी इन्होंने 10 रुपया दिया तो 10 हो जाएगा, right? चलो ये अभी यहां देखें, y plus 10 is equal to 6x minus 60। देखिए अभी हमेशा ये है कि अगर आपको इस बाजू रखना है तो अभी रख सकते हैं राइट, या तो फिर इसको प्लस करना है तो इसको यहां ले जा सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो वैसे ही रखिए, माइनस 6x प्लस y इक्वल टू माइनस 70। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करो, चलो यहां पे माइनस 2y है यहां पे x है, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड दोनों ऑपोजिट साइन है, एडिंग विथ 1 बस इतना ही लिखने का बरोबर, एडिंग विथ इक्वेशन 1 ओके चलो डन। माइनस 12x 2y माइनस 140, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको यहां लिख दीजिए सर, x माइनस 2y is equal to minus 300, opposite sign अपने आप कट गया right। अब देखिए ये हो गया minus 11x और ये कितना होगा, देखिए तो जरा 3, 4 और ये हो जाएगा 4 right।
that is minus 440. That is x is equal to minus 440 upon minus 11. X is equal to 40 rupees. X ke paas kitna hai? Just 40 rupees hai. Putting this value. In. Kis mein rakhe hai? Chalo, ye wala. 40 minus 2y is equal to minus 300. Minus 2y is equal to minus 300 minus 40. Minus 2y is equal to minus 340. Okay, so this will give y is equal to 340 upon minus 2. Y is equal to 170. Therefore, y is equal to 170 rupees. Therefore, the friend has kitna sir? 40 rupees. Right? And the another friend has 170 rupees. Done. समझ पड़ा सब लोग को? Right? This is the answer. Okay? आराम से करना. Answer आना ही है. Okay? No tension. आपको सब सम समझ पड़ेगा अगर आप इसको practice करोगे अच्छी तरह. Let's go for the next sum. Copy कर लो. Okay. Students, question number 3. A train covered a certain distance at a uniform speed. Certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km hour faster. मतलब suppose 50 की speed में चल रहा है तो थोड़ा speed 10 km मतलब 60 की speed में अगर करते हैं 10 km की speed मतलब per hours की speed बढ़ाते हैं तो it would have taken 2 hours less. It would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower, अभी slow करता हूँ 10 km per hour, उसकी speed, तो वो 3 hours ज़्यादा लेता है. तो suppose क्या करते हैं? Let the speed of the train is x km per hour, right? And the time taken is y, right? Y km per hour है, तो क्या हैगा? Y hours, right? Okay, now up. Therefore, distance is equal to speed into time, right, sir? ये वाला formula है. आपको मालूम है speed is equal to distance upon time formula है. अभी हमको distance find करना है, तो distance को question कर दिया. Now question condition number 1 क्या बोला? If the train would have been 10 km hour, right? If the speed is increased by 10 km hour. क्या हो जाएगा? X plus 10, right? Time will decrease by 2 hours. क्या हो जाएगा? Y minus 2, right? चलो, तो therefore, X plus 10 y minus 2 is equal to distance क्या था formula xy, right? Speed into time. चलो इसको multiply करते हैं. xy 2x 10y minus 20 is equal to xy. देखिए अपने आप xy कट जाएगा. दोनों plus sign में होना चाहिए, ये जरा ध्यान देना. minus 2x plus 10y is equal to plus 20. उस बाद चला गया. अब 2 common ले लो. minus x 5y is equal to 10. Equation number 1. हमारा purpose. अब वही चीज second condition. Second condition here. Now, on decreasing speed by 10 km per hour. बरोबर है? Right? It will become x minus 10. Time taken is कितना हो जाएगा? Y plus 3 hours. यहाँ पे क्या हुआ था? 2 hours पहले पहुंच गया था, right? यहाँ पे more हो गया, तो plus. Therefore, x minus 10, y plus 3 is equal to xy. Same formula. चलो, xy, 3x, 10y, फिर ये minus 30, xy. कट हो गया सर. 3x minus 10y is equal to क्या जाएगा? Plus 30. Equation number 2.
थ्री कॉमन इसमें नहीं आ सकता है। अब ये देखिए हम एक काम करते हैं, इधर टेन वाई ऑलरेडी था, इधर भी टेन वाई आया है, तो हम लोग इसको इक्वेशन वन इसको नहीं इसको ले लेते हैं राइट। तो ये वाला हम क्या करेंगे, रब कर देंगे, समझ पड़ रहा है सब लोगों को, इस तरह इसको रब कर दो राइट। दिस वी विल कंसिडर दिस राइट। चलो ऑन एडिंग, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, ऑन एडिंग इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू दैट इज माइनस टू एक्स टेन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी, थ्री एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू थर्टी। देखो ये कट गया सर, थ्री में से टू गया तो प्लस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी, फिफ्टी तो एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी। पुटिंग दिस वैल्यू, अभी बाद में करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन किस में रखेंगे सर, फिफ्टी है ना, चलो इसमें करते हैं इक्वेशन वन राइट। माइनस टू एक्स है तो देखिए माइनस टू इंटू फिफ्टी प्लस टेन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी राइट। तो टेन वाई इज इक्वल टू माइनस टू फिफ्टी क्या माइनस हंड्रेड, उस बार जाएगा तो ट्वेंटी प्लस हंड्रेड ओके, टेन वाई इज इक्वल टू वन ट्वेंटी। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन ट्वेंटी अपॉन टेन, वाई इज इक्वल टू आएगा ट्वेल्व आवर्स राइट। देयरफॉर नाउ हमको तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई फिफ्टी इंटू ट्वेल्व दैट इज 12,600 किलोमीटर राइट। देयरफॉर दिस इज द आंसर ओके। पॉज करके कॉपी कर लो और इसको प्रैक्टिस भी कीजिए राइट। आप आराम से करो, आराम से करोगे तो कोई गलती नहीं होगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी तरह सम कर सकते हो ओके। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। If the three students are extra in a row, there will be one row less. Now, if three students are less in a row, then there will be two row more. Right? आप समझ रहे हो ना? Suppose ये students को हमने खड़ा किया, right? इस तरह students खड़े रखें, right? अब ये rows हैं, R1, R2, R3. तो अगर If three students are extra in a row, तो अभी ये क्या हो जाएगा, अगर three student में extra row करूंगा तो क्या हो जाएगा, there will be one row less. तो अगर मैंने ये one, two, three कर दिया तो ये वाले इधर आ जाएंगे और एक row कम हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं राइट। तो दिए चीज को हमको अरेंज करना है राइट। लेट अस टेक, सो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें ढूंढना है इस x राइट एंड द नंबर ऑफ रोज इज y, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो क्या हो जाएगा, x अपॉन y। सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय रो। अभी सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स और 4 रो है तो क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स एक रो में हैं, ये फाइंड आउट करना है राइट। तो दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ रोज, दैट विल गेट स्टूडेंट्स इन ए रो राइट। नाउ अब पढ़ो देखो पहला वाला कंडीशन, इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक्स्ट्रा इन ए रो मतलब रो वाला ही ले लो, हो गया, समझ रहे आप लोग, देयर विल बी वन रो लेस। देखो लेस मतलब माइनस कर दिया राइट right? तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए एक्स, समझ पड़ा सब लोगों को, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो ये आपको एलसीएम आया है तो ले लो, एक्स प्लस थ्री वाई, फिर ये आ जाएगा सीधा वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई, यहां चला गया एक्स वाई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स वाई राइट। चलो एक्स वाई कट हो गया, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन राइट, इज इक्वल टू दिस इज जीरो, थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स राइट। चलो लेट्स सी
अब दिस विल गिव 3y y minus 1 is equal to x. तो y माइनस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3y, राइट? डन. तो x अपॉन काम करते हैं, ये ले लेते हैं, दैट इज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन y, राइट? ओके. और x अपॉन y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. ये अभी सपोज इक्वेशन 1 रखता हूँ मैं, x अपॉन y माइनस 3y, ये लिया, राइट? x अपॉन y इस पर जो लिया माइनस 3y, माइनस 3 को वहीं रख दिया, दैट इज माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 1 सपोज, राइट? अब ये ले लेते हैं दूसरा वाला. इफ नाउ इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, ये हो गया. इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस, यहाँ पे ही लेते हैं वापस x अपॉन y माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? 1 इन ए रो, लेस इन ए रो, देन 2 रोस आर मोर, y प्लस 2 हो जाएगा, दैट विल बिकम x. सेम टू सेम है, वैसे ही रखना है. चलो लेट अस सी, ये करते हैं हम लोग. y प्लस 2 माइनस 3, y प्लस 2 इज इक्वल टू x, दैट इज x प्लस 2x अपॉन y, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ, और ये बन जाएगा माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू x. ओके सर, अब ये x x कट जाएगा, दैट इज 2x अपॉन y माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6. इक्वेशन नंबर 2, देखिए माइनस 3y माइनस 3y सेम आया है. लेट अस एलिमिनेशन मेथड फटाफट करते हैं, आ जाएगा, राइट? माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, x अपॉन y माइनस 3y इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 1 लिख देते हैं, राइट? ओके, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया इसको. चलो 2x अपॉन y माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ये एलिमिनेशन मेथड, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट हो गया. हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व करते हैं. 2x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, राइट सर? अब देखिए x माइनस 2x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 9, देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू 9. ये आ गया, ये वाला हमको रखते हैं, x अपॉन 9, ये रहे ना, x अपॉन y, राइट? अब इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या है, ये है, ओके? अब हमको x अपॉन y इज इक्वल टू 9 है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, राइट? तो 9 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3, पुटिंग दिस वैल्यू, राइट? दिस विल गिव माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9, दैट इज माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, y इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 3, y इज इक्वल टू 4, राइट? ओके, तो अभी ये x अपॉन y इज इक्वल टू 9 मिला है, y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x अपॉन y इनटू, ये क्या है, नंबर ऑफ रो स्टूडेंट, और ये नंबर ऑफ रो, x इक्वल टू 9 इंटू 4, x इक्वल टू 36 स्टूडेंट्स, डन, ठीक है, राइट? ये आपको आराम से करना है, ये करके आप पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ओके? ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर, बराबर? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने किया है, राइट? नेक्स्ट 5, 6, 7, 8 है मेरे ख्याल से, वी विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो, ओके? बाय टिल दैट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और वो बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ओके? बाय टिल दैट, बाय.